नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हमारे साथ हैं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एसी लोडा जी, जो एनवायरमेंट को लेकर, नॉट ओनली एनवायरमेंट, कई मुद्दे में आगे आकर वो बात करते हैं। तो आज हम उन्हें इसीलिए हमारे चैनल में इनवाइट किया है ताकि हम उनके साथ में थोड़ा बहुत चर्चा कर पाए रिगार्डिंग कल के दिन में जो 12 डैम प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जिसका एमओए साइन हुआ है बैंकट हॉल में, जहाँ पर यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह भी प्रेजेंट थे अलॉन्ग विद सीएम खांडू चौनामैन और दूसरे जितने भी डिग्निटरीज थे। चलिए सीधे उनसे मिलते हैं, उनका राय जानते हैं ये टॉपिक को लेकर। चलिए सर, मुद्दा तो आपको पता चल ही गया है, तो हम सीधा जानना चाहेंगे, क्योंकि एज अ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आप भी कई बार डैम प्रोजेक्ट को लेकर आपने बातें रखी है, तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक और यूनियन मिनिस्टर, सीएम और जो पावर मिनिस्टर है हमारे स्टेट के चौनामैन, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी फ़ायदा होने वाला है यहाँ के लोगों के लिए, साथ ही साथ प्रदेश को, क्या कहना चाहेंगे इसको? फ़ायदा का तो हमको पता नहीं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। फ़ायदा दिखता नहीं है, फ़ायदा ऐसे एमओयू के दौरान हमारे जो जिम्मेदारी जो नेता है वो हमेशा कहता है कि वो स्टेट के लिए, राज्य के लिए फ़ायदा होता है और नेशनल इंटरेस्ट है। मैं तो यही कहूँगा कि मेरा हमेशा एक एनवायरनमेंट का प्रति प्यार रहा है और हम इस विषय को लेकर चिंता इसलिए कि क्योंकि हमारा जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो, उसका लैंड जो लिमिटेड है और ट्राइबल लोगों का हर जगह ज़मीन नहीं होते है, हर क्लान का अपना अपना एक ज़मीन होता है। हम हमेशा यही कहता हूँ कि मेरा एक ही वजह है कि ये मेगा डैम प्रोजेक्ट को अपोज करने का, मेरा एक ही वजह है कि जो डैम होते हैं वो किसी का बस्ती में बनते हैं, किसी का ज़मीन पर बनते हैं और वो लोग अनफॉर्चुनेटली डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ तो क्लान वाइज में जो मिट्टी है वो कैटेगराइज करके रखा है, जैसे कि हम लोधा है तो मेरा लोधा का कुछ लिमिटेड मिट्टी है, लिमिटेड लेन है। तो अभी देखा जाने पर क्या हो रहा है कि मान के चलो मेरा लोधा एरिया में अगर हाइड्रो डैम बनेंगे मेगा जो बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसमें क्या होगा कि पूरा सारे का सारे लोधा का एरिया पूरा जो सबमर्जेंस में आ जाएंगे, तो लोधा कम्युनिटी के लोग किधर चले जाएंगे, किधर रहेंगे, ये बहुत बड़ा सोचने वाला बात है। और लोधा में ऐसे नहीं है कि हम एसडी लोधा हम ही है, ऐसे नहीं है, आने वाला पीढ़ी भी है ना लोधा में। तो हमारा यहाँ क्या है कि मिट्टी जो लिमिटेड है, बहुत लोग बोलता है कि मिट्टी ज़मीन बहुत ज़्यादा है, ऐसे नहीं है, जितना अब दिख रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लान का मिट्टी है। तो वो समर्जेंस में आने के बाद में वो पर्टिकुलर क्लान जो डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो डिस्प्लेस होने के बाद उसका पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी कहाँ रहेंगे। मैं हमेशा इस मुद्दा पर इसलिए मैं चिंता हूँ कि यही वजह से मैं चिंता रखता हूँ कि अरे डिस्प्लेसमेंट का तो थोड़ा ख्याल कीजिए, क्योंकि कोई अगर दूसरा टाइटल जो है उसका टाइटल का अगर ज़मीन डूब गया तो मेरा टाइटल वाले तो उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि मेरा टाइटल में भी ज़मीन लिमिटेड है। मैं इसलिए सरकार से यही कहता हूँ कि आप मेगा डैम प्रोजेक्ट में क्यों आगे बढ़ते हो, आप मिनी हाइडल बनाइए, हमारा यहाँ में सोर्स है वो भी सस्टेनेबल वे में। और मेगा डैम में एक और कमियाँ निकला है, जैसे कि हम रिसर्च करके देखा है, कंपेंसेशन, ज़मीन आपको चाहिए, कंपनी वालों को चाहिए ज़मीन, एनएचपीसी को या निपको को ज़मीन चाहिए, तो हमारा गरीब किसान लोग जो कम्युनिटी से वो लोग ज़मीन दे देते हैं, फिर कंपेंसेशन का अलग सा एक माजरा, डिले टेक्टिक्स यूज़ करता है, कंपनी वाला कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ फिर एक दो साल वहाँ लग जाता है, फिर ये गरीब किसान क्या करेगा, ज़मीन भी देंगे, कोर्ट का दरवाज़ा भी ये करते रहो, कटकटाते रहो और कोर्ट में पूरा ये करते रहो, जाते रहो, ये कहाँ का जस्टिस है। इसलिए हमारा जो पेमा खांडू जी है चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसको मैं तो सजेशन देने का लायक आदमी तो नहीं हूँ ये सरकार को या कोई भी नेता को, लेकिन मेरा तरफ से एक सुझाव है कि आप लोग हमेशा एक प्रो पीपल वाला डैम लाइए, जिसको लोगों को फ़ायदा हो, ऐसे नहीं है कि वहाँ का लोकल नेता को या आप लोगों को फ़ायदा हो गया और गरीब किसान जिसका ज़मीन गए वो फाइन नुकसान में चले गए, वो कहाँ का इनजस्टिस है। इसलिए एमओयू जब साइन करते समय में एटलीस्ट स्टेक होल्डर से थोड़ा सा सलाह मशवरा लेने से बहुत बढ़िया रहेगा और एनजीओ लोगों से थोड़ा सा, क्योंकि एनजीओ ग्राउंड में है, वो पता है ना कि उसका क्या है क्या नहीं है। तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं डेवलपमेंट का खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल भी डेवलपमेंट का खिलाफ नहीं हूँ, I always advocate for the sustainable development, है कि नहीं। सांप भी बड़े
लाती भी ना तूते, ये एक तो रास्ता हमेशा हम लोगों को ढूंढना चाहिए। जिसका ज़मीन जा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को फैसिलिटेशन करना चाहिए, फैसिलिटी देना चाहिए, कंपेंसेशन सफिशेंट और रीजनेबल कंपेंसेशन देना चाहिए। क्योंकि उसका जो पूर्वज का ज़मीन है जिसमें वो सालों साल से लगाव है, वो मिट्टी अगर समर्जेंस में चले जाएंगे तो उसका आने वाला पीढ़ी कहाँ रहेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सहमत नहीं होता हूँ। और आई गेस एसडी जी आप अवेयर होंगे कि कल के दिन में अनाउंसमेंट किया गया है 1,40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है ये 12 डैम प्रोजेक्ट में, मेगा प्रोजेक्ट कह सकते हैं। और साथ ही साथ उनके तरफ से जो मिनिस्टर थे और एडवाइज़र टू गवर्नमेंट है अरुणाचल गवर्नमेंट, उनके तरफ से भी कहा गया था कि आउट ऑफ 1,50,000 मेगावाट जो पावर सप्लाई होता है पूरे देश में, वहाँ से 50,000 अरुणाचल ही अभी देने वाला है या फिर अभी दे ही रहा है आधा से ज़्यादा। तो अभी जैसे आपने मेंशन किया कंपनसेशन को लेकर, जो जितने भी अफेक्टेड लोगों को लेकर, तो ये सवाल हमने ब्रीफिंग के तरफ समय में भी रखा था, तो उनके तरफ से कहा गया था कि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इवन लाइक जो थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है एंटी डैम को लेकर उसको लेकर भी उनके तरफ से कहा गया था कि इतने सालों से ये काम चल रहा है अभी क्यों, एक दो लोग ही कर रहे हैं, बाकी जितने भी जहाँ पे डैम बनने वाले हैं वहाँ के लोग खुश हैं और वहाँ के लोग वहाँ पे फ़ायदा ही होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला, इस तरह के कहना था। इसमें आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? ये जो एक दो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है और बाकी लोग खुश है, ये बात को मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हमारा जो अरुणाचल है बेचारा इनोसेंट है और इग्नोरेंस है, इसका डिसएडवांटेज को पता नहीं है, इसलिए जो लोग जानते हैं वो आगे आके प्रोटेस्ट किया जाता है, अपोज करता है कि नहीं। जैसे कि मैं एसडी लोधा में इस कमिंग से नाता रखता हूँ, सारा अरुणाचल दूसरे बाकी जगहों पर क्या हो रहा है असली में मतलबी का साथ अगर कहूँगा तो मेरे से क्या लेना देना है। मेरा ज़मीन सुरक्षित है, मेरा वहाँ हाइड्रो डैम नहीं बन रहा है, हमको क्या लेना देना है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ये जो डैम का मेगा डैम का विषय में हमने बहुत बारीकी से मैंने रिसर्च किया है, इसमें कोई भी खुशी नहीं है। उसको ऐसे खुशी दिखाया जाता है जैसे कि डॉक्टर लोग पेन किलर देता है ना, उसी प्रकार से है वो लोग, उसको मिसलीड किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है, उसको लालच दिलाया जाता है कि आपको इतना इतना रुपया मिलेगा। मैंने कहा ना, ज़मीन कंपनी को चाहिए, कॉर्पोरेट्स को चाहिए और ये जो हाइड्रो पावर डेवलपर है उनको चाहिए, लेकिन हमारा किसान जो है मजबूरी का वजह से ज़मीन दे देता है लेकिन कंपेंसेशन सफिशिएंट नहीं मिलता है। उसमें एक रेगिंग शुरू हो जाता है इन कोलूजन विद द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द कॉर्पोरेट्स, वो कोर्ट में ले जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस सुनवाई हो रहा है ना। तो इतना क्यों, जो ज़मीन दे रहा है उन वो आदमी लोगों को इतना इनजस्टिस क्यों? अरे आपको ज़मीन चाहिए तो हम ज़मीन हमारा गरीब मजदूर जैसे भी मिसलीड करके हो, मिसगाइड करके हो दे तो रहा है, तो उसको आप कंपेंसेशन देते वक्त में अलग सा एक तो माजरा क्रिएट करना, ये क्या है? आपको ज़मीन चाहिए हम दे रहा है, आप भी अपना कंपेंसेशन इन टाइम दीजिए, डिले ना कीजिए, कोर्ट में मत घसीट के ले जाइएगा, है कि नहीं? कोर्ट का चक्कर कट्टे करते को कितना ऐसे किसान है जो लोग सुसाइड करने के लिए भी टेंडेंसी में आ जाता है, ये ऐसे क्यों होता है? इसलिए गवर्नमेंट इस विषय में और इस सब्जेक्ट में हमेशा गवर्नमेंट जो वाइल साइनिंग MOU है कि नहीं, गवर्नमेंट ये विषय में हमेशा सोचना चाहिए। और जो 1,00,000 करोड़ ये तो हम अभी तक कितना डिजी दे आई डू नॉट नो, लेकिन जानना चाहिए कि हम लोगों को कि ये 1,00,000 करोड़ जो साइन किया MOA जितना पैसा है ये हमारा अरुणाचल को सिर्फ नहीं अरुणाचल का वासियों को भी ये फ़ायदा होने वाला है नहीं होने वाला है वो MOU में पता चल जाएगा। और इसमें और एक ऐड करना चाहूँगी कि मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर के द्वारा ही उन्होंने मेंशन किया था ब्रीफिंग में कि वहाँ पे सिर्फ नॉर्मली कंपनसेशन को लेकर ही नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि ट्राइबल्स जितने भी लोग हैं लोकल लोग हैं उन्हें नौकरी मिल जाएगा और काम में भी एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर उन्हें दिया जाएगा, रास्ते बन जाएगी, स्कूलें हो जाएगी, इन टर्म्स ऑफ लाइक डेवलपमेंट पूरी तरीके से आ जाएगा अगर ऐसा आता है तो। इसके ऊपर मैं क्या कहना हूँ, क्योंकि एज ऑफ नाउ भी अगर बात करें बिचुम डैम की भी तो इवन लाइक रंगा डैम की तो वहाँ पे भी अभी भी कई डिमांड्स है जो अभी भी फुलफिल होना बाकी है, तो इसके ऊपर मैं एज अ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आपका क्या कहना हूँ? ये इनजस्टिस तो अरुणाचल के शायद जहाँ जहाँ डैम बने हैं अब भी वहाँ के लोग चिल्ला रहा है, पुकार रहा है सरकार को कि उन लोगों का जो
ग्रीवांसे से उसको सुनवाई किया जाए, लेकिन सरकार और अपना कॉरपोरेट का तरफ से कोई भी स्टेप ऐसे नहीं उठाया जा रहा है। मैंने भी देखा है सोशल मीडिया के तहत, जैसे कि रंगा नदी वाले ना ऐसे डैम में भी अभी तक डाउन स्ट्रीम लोग चिल्ला रहा है कि पानी सूख रहा है, और वहाँ का जो लोग जो प्रोमिस आपने अभी अभी कहा है स्कूलें मेडिकल हॉस्पिटल और रिलीफ एंड रिहेबिलेशन ठीक से दिया जाएगा, कंपेंसेशन ठीक से दिया जाएगा, जॉब रिजर्वेशन दिया जाएगा। देखिए अभी निपको है जीता जागता सबूत हम लोगों का जो रंगा नदी, उनमें वो प्रोजेक्ट को लेके भी तो ऐसे साइन हुआ था ना नहीं हुआ था, दैट आई डोंट नो बिकॉज वो बहुत पहले का बात है, लेकिन आज भी तो लोग जॉब रिजर्वेशन मांग रहा है। तो उसको 20-30 साल लग गए जॉब रिजर्वेशन को ये करने के लिए। अभी इसमें क्या है MOU में पता नहीं, शुरू शुरू में हम लोगों को लालच दिलाया जाता है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे, है कि नहीं, इसके बाद मुआवजा अच्छा से मिला जाएगा, रीजनेबल मुआवजा मिलेगा। लेकिन जब बनने का बाद में ये कॉरपोरेट का एक तो अपना एक पॉलिसी है वो शुरू हो जाता है, इनजस्टिस डिले टैक्टिक्स यूज़ करता है, कोई प्रकार का टैक्टिक्स यूज़ किया जाता है जिससे लोगों को सप्रेस हो। मेरा ख्याल से अगर ये पॉलिसी में क्लियर कट अगर गवर्नमेंट क्लियर कट अगर आता है पॉलिसी बना के आता है तो मैं भी उसका साथ हूँ, लेकिन ये कभी भी नहीं होता है ना। इसलिए हम बोलता है कि हमारा नेता को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ध्यान देना है पॉलिसी मेकिंग में। इसका तहत एक पॉलिसी बनाइए ना, अपना एक स्टेट का पॉलिसी बनाइए कि अगर कंपनी अगर यहाँ आने के बाद हाइड्रो डैम बनने के बाद अगर जॉब रिजर्वेशन नहीं देता है, कंपेंसेशन ठीक प्रकार से नहीं देता है, जो लोग डिस्प्लेस हुए जिसका ज़मीन गया है उसको अगर ठीक तरह से रिड्रेस नहीं किया जाता है तो उसका पनिशमेंट होना चाहिए, 5-10-6 साल का पनिशमेंट होना चाहिए डिफॉल्टिंग कंपनी को। ऐसे एक पॉलिसी लाइए ना, ऐसे नहीं है आप लोग ऊपर लेवल से पूरा MOU से लेकर कंपेंसेशन में ऊपर लेवल से डिस्कस करता है और जिसका ज़मीन जाता है वो मर रहा होता है, जिसका ज़मीन जाता है वो कोर्ट का चक्कर काटता है। आप अभी बताइए अरुणाचल टुडे, आप भी पूरा सारे का सारे ये कंपेंसेशन का मामला को तो अच्छा से देखा होगा, कौन सा ऐसे कंपेंसेशन है जो आज तक अच्छा से हुआ हो? हम तो कहीं नहीं देखा। हाईवे का कंपेंसेशन बोलो केसी केस, हाइड्रो डैम का कंपेंसेशन बोलो केसी केस, कोर्ट में चक्कर लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। अगर हाइड्रो डैम अगर स्टेट का रेवेन्यू के लिए नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर कर रहा है तो जनता को भी थोड़ा ध्यान देने से ठीक है। इसका तहत एक क्लियर कट पॉलिसी का साथ में गवर्नमेंट भी आना चाहिए। मैं नेता लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। और ये जो 50,000 MW जो हमारे यहाँ से देंगे तो इसको लेकर भी मैंने यूनियन मिनिस्टर को सवाल रखा था कि हमारे यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा इंस्टेड ऑफ दैट, मतलब 50,000 MW पावर हम लोग सप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ को क्या, उनके तरफ से कहा गया था कि 12% का पावर सप्लाई या फिर सब्सिडी उनके हाँ फ्री में उन तरफ से कहा था। तो क्या लगता है 50,000 के बदले 12% का पावर मिलना फ्री में कितना हद तक सही है? क्योंकि वो 12% भी अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा पिछले 10-15 साल से जो निपको हमारा यहाँ में कमीशन हो चुका है ना, लेकिन वो 12% फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहाँ जाते हैं हम पता नहीं है, किसको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। एक तो गांव-गांव में फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तहत हो रहा है, स्टेट का जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है जो लोगों को मिलना चाहिए वो कहाँ है वो हमको पता नहीं। आई डू नॉट हैव एनी आइडिया वो कहाँ बेच रहा है ना असली में किसी को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है। इट इज़ अ सब्जेक्ट फॉर रिसर्च ना, उस विषय में हम नहीं गया बिकॉज वहाँ क्या होता है देन आई कैन से एंड नो कॉमेंट फॉर देट। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल रहेगा जब क्योंकि इतना मेगा डैम प्रोजेक्ट होने वाला है तो ऑब्वियसली कई वर्कर्स का ज़रूरत होगा एंड ऑलरेडी अरुणाचल में PRC एंड ST वगैरह को लेकर इशू चल ही रहा है, सभी जानते हैं वर्कर्स लाखों में ज़रूरत होगा, हज़ारों में ज़रूरत होगा। वेरस अगर बात करें दिबांग वैली की डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें या फिर इवन लाइक सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें तो दोनों कमले डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कमला का बनने वाला है प्रोजेक्ट, इवन जो सियांग के वहाँ में बनने वाला है, तो पॉपुलेशन में बहुत इफेक्ट होने वाला है ऐसा इस तरीके का लगता है। और कई लोग कंसर्न रख रहे थे क्योंकि कल ब्रीफिंग के बाद में कई लोग पॉइंट आउट कर रहे थे वो चीज़ को लेकर भी, स्पेशली ILP वगैरह को लेकर। तो इसके ऊपर में आपका क्या कहना होगा, गवर्नमेंट को किस तरीके से देखना होगा ये चीज़ को अगर आप कुछ कहना? ये बहुत अच्छा है ये सवाल जो है, हमने पहले से भी बोला है कि हाइड्रो डैम जब आता है हम लोग चलो पॉजिटिव जो है ना उसको तो है ही है, पॉजिटिव तो होगा क्योंकि क्यों नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव होने का साथ साथ हम लोग निगेटिव साइड जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसको भी हमेशा गौर करना चाहिए। हमने बोला कि हमारा जो
कम्युनिटी है जो अरुणाचल में सब जमीन दिख रहा है लेकिन वो किसी ना किसी का है, कोई ना कोई क्लान का है, और वो क्लान छोटा भी होता है। हमारा यहाँ पे एक ही एक एक क्लान जो है 2000 भी नहीं होते, 500 भी नहीं होते, कोई कोई 200 होते। तो ऐसे करके हमारा जैसे इदू मिसमी का ही ले लो, इदू मिसमी का टोटल पॉपुलेशन ही 10,000 के करीब है, और ज़्यादातर अभी हाइड्रो डैम जो इदू मिसमी बेल्ट में बनने रहा है, तो पॉपुलेशन का जो मार्जिनलाइज होना तो तय है, डेमोग्राफिक चेंजेस तो तय है। और इसलिए हम लोगों ने जब हम ड्राफ्टिंग चेयरमैन था अपसू का, जब जीरो फेडरल असेंबली में, उसमें भी शायद एक पॉइंट था जो अपसू का द्वारा से गवर्नमेंट को सबमिट किया गया है कि जो लोग भी अगर यहाँ पे आते हैं लेबर का काम में, उन लोगों को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में उसको वोटर लिस्ट का तहत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान के चलो इदू मिसमी बेल्ट में 20,000 के लोग लेबर आएंगे तो इदू मिसमी कम्युनिटी ही कितना है, 10,000 है, तो 20,000 वाले तो ऑटोमेटिक जीत जाएंगे ना। तो ये क्या होगा, वोट बैंक का पॉलिटिक्स का शुरू हो जाएगा। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स जब शुरू होता है तो हम लोग नेता लोग हमेशा एक तो बड़ा जो कम्युनिटी है उसको ध्यान देता है, जो बड़ा ग्रुप्स है कि नहीं, वोट बैंक जिसमें ज़्यादा वोट बैंक का मात्रा है। तो इदू मिसमी का इनजस्टिस ग्रीवेंसेस को और उसका वेलफेयर के लिए कौन सुनेगा, जबकि लेबर ही 20,000 होगा, इदू मिसमी कम्युनिटी 10,000 है। तो डेमोग्राफिक चेंजेस, सोशल इनजस्टिस, सोशल इनइक्वलिटी वो तो तय है कि नहीं, वो तय है। इसलिए हमारा गवर्नमेंट को इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग मेगा डैम प्रोजेक्ट साइन भी करता है तो हम लोगों को थोड़ा सा एक तो पॉलिसी में ध्यान देना चाहिए कि ये आने का बाद में ये नेगेटिव इम्पेक्ट है, हम लोगों को इसको कैसे करके हम लोगों को सॉल्यूशन लाना चाहिए, इसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, वो अभी से एक पॉलिसी बनाना चाहिए, हम ये सोचता है। नहीं तो हमारा जो ज़मीन का राइट्स तो छीन ही रहा है, बाद में पॉलिटिकल राइट्स भी छीन लेंगे, है कि नहीं, इसका बाद में डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे, वो लोग भारी मात्रा में आएंगे, हमारा आइडेंटिटी ही गायब हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। और ILP को लेके जैसे कि हम हमेशा से बोलता है कि हम लोग को एक प्लेन रीडिंग करना चाहिए, ज़्यादा इंटरप्रिटेशन भी अच्छा नहीं है। ILP किसको देता है, टूरिस्ट को, ILP टूरिस्ट को देता है, लेकिन हमारा यहाँ लेबर बन के आया है, दुकानदार बन के आता है, तो वो लोगों को तो ILP कैसे मिलेगा। ILP तो BFR में क्लियर है, तो टूरिस्ट बन के आप आना है तभी ILP मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डिफिनेशन को भी डाइल्यूट किया जा रहा है। और इस विषय में भी गवर्नमेंट का कोई बहुत अच्छा तरीका से पॉलिसी नहीं है, तो इसका वजह से हमारा अरुणाचल तो अंडर थ्रेट में है ही है। और हम हमेशा से बोलता है मेन लैंड का जितना नेचुरल रिसोर्सेस है एग्जॉस्ट हो चुका है कि नहीं, ख़त्म हो चुका है। नाउ द सॉफ्ट टारगेट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। कॉरपोरेट लोग अभी अरुणाचल को ध्यान दे रहा है कि यहाँ पे इतना जंगल है, अभी तक नेचुरल रिसोर्सेस है, नाउ दे आर यू नो ट्राइंग टू फाइंड आउट दी यू नो बेस्ट वे टू एक्सप्लोर द नेचुरल रिसोर्सेज एलोंग विद द पीपल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ये है जी। और दर्शक आई गेस आप सब जानते होंगे कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के साथ साथ एस डी लोढ़ा जी एज अ एडवोकेट भी वो सर्व कर रहे हैं। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, कल के दिन में जब बैंकेट हॉल में ब्रीफिंग चल रहा था ये मुद्दा के ऊपर में, बाहर पे ह्यूमन राइट्स के लॉ नेटवर्क के एक मेंबर एबो मेले जो वो खुद भी एक एडवोकेट है, वो प्लेकार्ड पकड़ के ऐसे कुछ तरीके था, उन्हें पुलिस के द्वारा ले गया गया, काफ़ी लंबा, हम भी थे पुलिस से, काफ़ी लंबा चर्चा हुआ, SP से बात हुआ, बाद में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर के पास में ले गए, बाद में पता चला कि उन्हें बॉन्ड साइन करवाया। तो एज अ एडवोकेट आपसे हम जानना चाहेंगे कि कितना हद तक ये सही है, क्योंकि आई गेस बहुत दर्शक एंड स्पेशली पब्लिक लोग बहुत कंफ्यूज है कि कुछ भी करे तो पुलिस ले जाया जाता है, आपू आपा एक लगाया जाता है, तो कहाँ तक ये बात सही, और बॉन्ड साइन करवाना क्या नहीं लगता है कि डेमोक्रेसी का ख़त्म डेट करवा रहा है इस तरीके, क्या कहना होगा इसका। ये जो इबो मिली बाई का केस है वो मेरा जूनियर है और वो बहुत ये जो एंटी डैम जो मूवमेंट में सक्रिय रहा है, और मैं और गवर्नमेंट का तरफ से उनको एक सर्विलेंस में भी रख रहा है, हमको ऐसे सुना है और कल डिटेन भी किया है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बोन साइन भी करवाया है बोला, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट पीपल हैज़ राइट टू रेज वॉइस against the atrocity injustices if he feel unsatisfied with the policy of the government, कोई भी उठा सकता है। अगर ऐसे उतारने वाला को अगर आप डिटेन किया जाएगा तो that means you are not you know detaining the इबो मिली, you are you know killing the flavor of the democracy, आप मर रहे हो उसको, है कि नहीं।
तो जनता को सुनना बहुत जरूरी है। एंड इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि द एक्टिविस्ट इज़ बीइंग डिटेन इन द जेल। नाउ इट इज़ गोइंग अराउंड इन कैपिटल सिटी, आपू आपा क्या क्या आते रह रहा है ना। हम तो बोलता है देखो, आप इबो मिली को क्यों है कि नहीं, इज़ यू नो रेजिंग हिज वॉइस बिकॉज वो अपना जगह का देख लिया ना, अपना जगह में सबसे ज़्यादा हाइड्रो डैम बनने वाला है एंड ही इज़ द एफेक्टेड है कि नहीं, एफेक्टेड पर्सन फ्रॉम वो एफेक्टेड कम्युनिटी से नाता रखता है। तो अगर आपको ऐसे ही अगर सिटीजन को अगर करना चाहता है तो आप सिविलाइज माइंड लाने के लिए कुछ हर कदम उठाइए ना। जैसे कि हमारा ईटानगर, ईटानगर इज़ नोन एज ए अनप्लान सिटी है कि नहीं, यहाँ पे लोग मिट्टी खद रहे हैं, इलीगल आर्ट कटिंग, आप उसको तो डिटेन नहीं कर रहा है, उसको अपू आपा नहीं लगा रहा है, क्वार्टर रातों रात तोड़ा जाता है, उसका प्रति कोई अपू आपा नहीं है, कोई ये नहीं। आप मजाक मत कीजिए ना, सरके को इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, इंक्रोच सिर्फ नहीं, कुछ कुछ सरके गायब है, आप रिसर्च कीजिए। हम देखा है कुछ कुछ सरके गायब है, दूरदर्शन कॉलोनी का कुछ सरके गायब है, ई सेक्टर का कुछ सरके गायब है, हम देख रहे हैं। लेकिन सरके जो गायब हो गया, क्वार्टर को जिसने गायब करवाया, उसका खिलाफ़ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है कि नहीं। अब देखिए हमारा जो लोन एयरपोर्ट है, जाने जगह में इलीगल अर्थ कटिंग रैम्पेन वे में हो रहा है, उसका प्रति कोई सख्त कानून नहीं है, कोई डिटेंशन नहीं है। ये क्यों डिस्क्रिमिनेटरी एक एटीट्यूड लेके क्या दिखाना चाहता है? गवर्नमेंट हमेशा सोचना चाहिए कि हमारा जो गवर्नमेंट जो है हमेशा एक राइट डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि इसका बाद राइट टाइम में एक स्ट्राइक करना चाहिए। किसको ज़रूरी है डिटेंशन का? डिटेंशन का उन लोगों को ज़रूरी है ना जो नदी नाला को गंदा करता है, जो सरकार का प्रॉपर्टी को ग्रैब करता है कि नहीं, और जो इलीगल आर्ट कटिंग करता है। इलीगल आर्ट कटिंग की वजह से पूरा रास्ता खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। आप देखा है ना, आप खुद रिपोर्टिंग किया है वो विवेक बिहार एरिया में, वो क्या के लिए हो रहा है? दैट इज़ नॉट यू नो एग ऑफ द गॉड, दिस इज़ अ मेयर यू नो रिडिकुलस एक्सक्यूजेस। वो एग ऑफ गॉड नहीं है, पहले वहाँ कभी पानी आता था क्या? अभी आ गया, वो एग ऑफ गॉड कैसे हो सकता है? देन मीन्स टेक्निकली यू आर रॉन्ग, वो वहाँ पे पानी कैसे लीकेज हो रहा है? आप देखना चाहिए, नाला नहीं है ठीक से, ड्रेनेज नहीं है, आदमी लोग रास्ता में पूरा नाला को बेच देता है अपना घर को साफ करने का चक्कर में। तो इसमें तो आपका कोई डिटेंशन ऑर्डर नहीं है, कोई ये नहीं है, ये क्या चीज़ है, कानूनी कार्रवाई नहीं है, ये क्यों होता है? एक इबो मिली भाई है, वो पहले से, आज से नहीं है ना, वो पहले से कर रहा है कि बिकॉज वो देखा है कि बस्ती वालों का रोते हुए वो ने देखा ना, बस्ती वाला ज़मीन को ज़मीन का साथ में एलिनेट होते हुए देखा है, तो वो दुख को मालूम है, दर्द को मालूम है, इसलिए बेचारा वो कर रहा है, उसको ही आपने बॉन्ड साइन करवा दिया। और एक सवाल रहेगा, कहीं ऐसा कुछ लॉ में कुछ सेक्शन है क्या, वो हम भी जानना चाहिए, आई गेस दर्शक भी जानना चाहिए, ताकि आने वाले समय वो भी अवेयर रहे कि अकेला भी कोई प्ले कार्ड पकड़ के खड़ा होना वो भी कुछ सेक्शन के अंदर आता है, क्राइम होता है, कि वो हम जानना चाहेंगे। नहीं नहीं, ये क्या क्राइम होगा? कोई भी प्रोटेस्ट कर किया जा सकता है, यूनिफॉर्म, सिर्फ हड़ताल नहीं होना है कि नहीं, पब्लिक को नुकसान नहीं होना है उससे। अगर कोई साइलेंटली पीसफुली प्ले कार्ड पकड़ के रजिस्टरिंग दिए हिज प्रोटेस्ट, ये क्या क्राइम होगा? इट इज़ नॉट एन ऑफेंस ऑल, वो तो अपना एक ये अपना जो नाखुश है, जो अनहैप्पीनेस है, उसको जाहिर कर रहा है ना कि नो वी आर नॉट एग्रीइंग ऑन योर पॉलिसी, इट विल यू नो अफेक्ट माय कम्युनिटी एंड पर्टिकुलरली मी, तो वो दिखाना चाह रहा है, तो उसमें क्या क्राइम है? वो दिस नॉट ए क्राइम, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि उसका ये भी कहना था कि वो ऐसे कुछ ऐसे सुनने में आ रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उनकी तरफ से कहा जा रहा था, अगर ऐसा करना ही था तो पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया जाना चाहिए था, ऐसे कहना उनका था। और ब्रीफिंग में वो मेले ने भी कहा था कि ऑलरेडी दिबांग वैली में स्ट्राइक होने बंद कॉल होने वाला था, जो कॉल ऑफ हुआ था कुछ रीजन से, उसके वजह से उन्हें इस तरीके से आना पड़ा है। तो ये चीज़ नहीं बता के भी कर सकते हैं ना, आई मीन लाइक आराम से कर सकते हैं, साइलेंटली पीसफुली कहीं पे भी बैठ के हम प्रोटेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमको बोलेंगे पूरा नदी नाला ईटानगर का सूख गया, पूरा सीवेज नाला हो गया, हम सर्किट्रेट का सामने हम अकेला पकड़ के बैठ सकता है ना पीसफुली, माने कि विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन हम बैठ सकता है ना, उसमें क्या है? वो क्राइम तोरी करने वाला है, रेजिंग वॉइस इज यू नो डेमोक्रेटिक, वो अनडेमोक्रेटिक कैसे हुआ? हम तो बोलता है कि ये सब मेरा खेल से मजाक सजाक नहीं करना है। वो लोगों को ऐसे लगा होगा कि उसे बाई चांस में कोई यूनियन मिनिस्टर आ रहा है, उसको हम लोग बहुत अच्छा से वेलकम कर रहा है, तो सिटीजन का द्वारा डिससेटिस्फेक्शन को जाहिर कर रहा है, तो शायद अनाप शनाप होंगे, ऐसे कुछ अप्रीहेंशन होता होगा। ऑन अप्रीहेंशन ओनली वो डिटेन किया होगा, बट आई डू नॉट नो कि
एंड आई डोंट एग्री कि वो कोई क्राइम करने वाला है. रेजिंग वॉइस इज डेमोक्रेटिक, ट्रूली डेमोक्रेटिक. इट इज द फ्लेवर ऑफ द डेमोक्रेसी कंट्री. अगर ऐसे नहीं होगा, जनता का वॉइस नहीं रहेगा, तो इट विल बी यू नो सेम एज यू नो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे किम जोंग जो करता है. हम तो समझ में नहीं आता ये सब क्यों करता है ना. ये बढ़िया अच्छा नहीं है. और ये दुखद वाला बात है कि कोई एक्टिविस्ट को इस प्रकार से डिटेन किया जाता है, ये अच्छा नहीं है. हाँ, जैसे कि मान के चलो, देखो आदमी बोलता है कल को, बिकॉज नो बॉडी इज परमानेंट इन अ चेयर. कल को अगर कोई दूसरा रिप्लेस हो जाएंगे, अगर ये जो अभी चेयर में है वो लोग भी प्रोटेस्ट करने लगेंगे ना अकेला बैठ के शांति से, उसको जब जेल में डिटेन किया जाएगा, देन दे विल रियलाइज कि नो व्हाट वी डिड इट वाज यू नो बैड. है कि नहीं, ये बैड लॉ है, ये मज़ा नहीं है. थैंक यू.